हेलो दोस्तों, आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्री रेडिकल, बीएससी एमएससी फर्स्ट ईयर प्रीवियस के लिए, है ना। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है? ऐसा कार्बन एटम जिसमें क्या हो, एक मुक्त मूलक, मतलब फ्री आयन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ठीक है, तो इसके बाहरी सेल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन आउटर सेल, इसके बारे में आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि 3 बंध है ना, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लगभग प्लेनर जैसा होता है। इसमें 3 बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पेयर नहीं लिखना है आपको, केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, SOMO, जिसको कहते हैं सिंगल ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना, जो अनहाइब्रिड रहता है। ये तीनों क्या है, हाइब्रिड है, sp2 sp2 sp2, और ये क्या है, पी ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिड रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्री रेडिकल। अब इसका जनरेशन कैसा होता है, ये होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, जब साझेदारी वाले बंध को, दो एटम के बीच में जो साझेदारी हुआ है, उस वाले बंध वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अपना अपना इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल लेके क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो इसको कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, और इस तरह का जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो थर्मल क्लीवेज में हो सकता है, फोटोकेमिकल क्लीवेज में हो सकता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हो सकता है। थर्मल क्लीवेज क्या होगा, एजो कंपाउंड लेते हैं हम, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है तो इसको एजो कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, इसका जब हम इसको हीट करते हैं, है ना, हीट करते हैं लगभग 20 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या हो जाता है, ये टूट जाता है किसमें, N2 और 2R रेडिकल में। यहाँ पे ये क्या है, R रेडिकल फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो इस तरह से फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है किसमें, थर्मल क्लीवेज में। फोटोकेमिकल क्लीवेज की बात करें, यहाँ पे हम एनर्जी देते हैं, फोटो लाइट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, लाइट एनर्जी, फोटो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो Cl2 क्या हो जाता है, 2 Cl रेडिकल में टूट जाता है। ठीक है, लगभग 600 से 300 nm फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यहाँ पे यूज करते हैं। आगे आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, यदि कोई मॉलिक्यूल खुद क्या हो, एक रेडिकल हो, जैसे कि यहाँ पे हमें फेनिल कार्बोनिल रेडिकल दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये जो रेडिकल है ये क्या करेगा, इधर बॉन्ड बनाना चाहेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फेनिल के पास आ जाएगा, यहाँ पे फेनिल रेडिकल मिलता है, CO2 मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसका जनरेशन है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमने पहले ही देखा, इसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में रहते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है जिसको कि हम SOMO कहते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है, जो कि क्या होगा, यहाँ पे 2pz या x या y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं 2pz है। ठीक है, बाकी क्या है, हाइब्रिडाइज है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसमें क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है, ये रहा है इसका स्ट्रक्चर। अब डिटेल बीएससी की बुक में देखना। इसके आगे हम चलते हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप ना वीडियो को पूरा देखा करो, आधा देख के आप छोड़ देते हो तो उससे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जब हम देखेंगे तो स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी जैसे हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में, इसका स्टेबिलिटी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जैसा ही है ना, हालांकि वहां कार्बोकेटायन में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता ही है। ठीक है, तो सबसे अहम चीज ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, स्पीसीज। ठीक है, तो क्या होता है यहां पे, एक तो पहला आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जिसको कहते हैं, जैसे कि कार्बन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ फ्री रेडिकल, ठीक है, आर ग्रुप क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर पुश करेगा। ठीक है, कार्बन की ओर देना चाहेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो इसका ऑक्टेट कैसे कम्प्लीट होगा, होगा ही नहीं, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, आर ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है उसको मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। तो टर्शियरी कार्बन क्या होता है,
कार्बन रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है किससे, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी किससे ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी से, और इससे भी ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, CH3 रेडिकल, क्योंकि इसके पास प्लस आई इफेक्ट डालने वाले कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। दूसरा है हाइफा कंजुगेशन, जैसे मैं यहां पे इसको लिख दूं CH3 ही लिख दूं, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, बॉन्ड बना लेता है। स्थिति क्या होगी, मैं केवल यहीं पे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, इस हाइड्रोजन के पास, ठीक है। स्थिति कैसी हो गई, ऐसी हो गई, अब ये रेडिकल खत्म हो जाएगा, ये रेडिकल कहाँ माइग्रेट कर गया, यहाँ पे माइग्रेट कर गया। इसी तरह इस हाइड्रोजन में, इस हाइड्रोजन में, या इधर अगर एल्किल ग्रुप है तो इधर भी क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का किसी रेडिकल या पाई ऑर्बिटल के साथ में कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। तो इसका जो एग्जांपल यही हो गया। तीसरा जो एग्जांपल है इसका, तीसरा जो इफेक्ट है वो कंजुगेशन या फिर रेजोनेंस। अगर कोई रेडिकल क्या हो, इस तरह से रेजोनेंस में पॉसिबल, कंजुगेशन में पॉसिबल हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे माइग्रेट करेगा, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा, अब क्या बना देगा ये CH2 डबल बॉन्ड, CH2 रेडिकल। तो ये रेडिकल यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस अगर पॉसिबल हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस से क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर मान के चलो रेजोनेंस लंबा है तो वहां पर माइग्रेशन अधिक होते जाएगा, ठीक है। मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन या डीलोकलाइजेशन होते जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ रिएक्शंस। रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, तो जनरल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जनरल रिएक्शन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैं सारी चीज नोट्स पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप नोट्स के साथ वीडियो को देखा करिए। मैं केवल शॉर्ट में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला तो होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन दो मान के चलो फ्री रेडिकल है, ये क्या कर जाएंगे आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन इसमें क्या होता है, जैसे CH3 है, ठीक है, CH2 है, रेडिकल है, मान के चलो यहाँ पे क्या ले लेते हैं CH2 और CH3। तो क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को कौन ले लेता है, ये रेडिकल ले लेता है हाइड्रोजन आयन को, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल भी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, रेडिकल रेडिकल क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। अगर उसको हम CH2 कर दें, एक रेडिकल निकाल दें, ये रेडिकल क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ये रेडिकल रेडिकल क्या बनाएंगे, यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये बन जाएगा CH3 प्लस CH2, यहाँ 2 होगा, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में एडिशन ऑफ अनदर एटम, थर्ड हो गया एडिशन ऑफ अनदर एटम, किसी दूसरे एटम का अगर हम यहाँ पर एडिशन कराते हैं, जैसे कि सपोज ले लेते हैं CH3 रेडिकल या CL रेडिकल ले लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं HCH3 मेथेन, ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को अपनी ओर, हाइड्रोजन को खींचेगा, प्रोटॉन नहीं, ठीक है, आप समझिएगा, ये क्या बना लेगा, CLH बना लेगा, ठीक है, प्लस CH3 रेडिकल जनरेट करेगा, इसमें नया रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन को ही ले रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ये रेडिकल को भी ले रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, एक नया रेडिकल उत्पन्न हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अगर बॉन्ड को तोड़ दें तो होमोलाइटिक क्लीवेज करा दे यहाँ पे, तो इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप को क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। फोर्थ जो है मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन है ना, फोर्थ क्या हो जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई रेडिकल ले लेते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा
इसको हम आर ले लेते हैं मान के चलो, ठीक है आर रेडिकल, तो एडिशन तो होगा, कार्बन में क्या करेगा ये आर ऐड करेगा, यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा सामने वाले कार्बन में, तो सामने वाले कार्बन में क्या हो जाएगा रेडिकल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन कहाँ यूज होता है, इस तरह का रिएक्शन पोलिमराइजेशन में यूज होता है। पोलिमराइजेशन का एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अगर हम रिएक्शन कराते हैं टर्शियरी ब्यूटिल, क्या है BO ब्यूटिल O ऑक्साइड के साथ में, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है। फ्री रेडिकल क्या करेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या करेगा एक हाइड्रोजन इधर देगा रेडिकल जनरेट कर देगा, ठीक है ये रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये क्या करेगा NCH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में कंबाइन करेगा, ठीक है ये क्या करेगा NCH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट क्या देगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब इसकी संख्या क्या हो जाएगी N, चूंकि ये N है ये रिएक्शन कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। नोट्स में इसको अलग से दिखा दिया हूं, ठीक है। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे है ब्रिज रिएक्शन जो है इसको समझ लीजिए, हो सकता है ये अलग से पूछ दे पॉलीमराइजेशन अलग से पूछ दे या फिर ब्रिज रिएक्शन को अलग से पूछ दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बताना है एक रिएक्शन होता है ब्रिज रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक क्या ले लेते हैं हम बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है बेंजीन का एक हाइड्रोजन मैं ऊपर दिखा रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन यहीं पे कराना है। यहाँ पे सोडियम मेटल लेते हैं और ETOH ऑफ CH NH3 यहाँ पे लेते हैं NH3 और -35 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन कुछ किस तरह से होता है ये यहाँ पे देखो, इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ये क्या बन गया 1,4-cyclohexadiene-diene। इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लीजिए। सोडियम क्या करता है यहाँ पे, सोडियम मेटल है मतलब फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा डोनेट कर देगा किसको इस वाले कार्बन को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा बस इसी स्टेप को समझना है आपको। हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा वो क्या अटैक करेगा यहाँ पे, ये अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बच जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहाँ के हाइड्रोजन को भी हम इधर दिखा देते हैं और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ से आया सोडियम से, बॉन्ड यहाँ बना यहाँ पे तो पहले से ही बॉन्ड था, ठीक है ये वाला बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये वाला बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, क्लियर है। दोनों बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे क्या बन जा रहा है पाई बॉन्ड, ठीक है। अब पाई बॉन्ड ये वाला पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है यहाँ पे और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का ये यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल यहाँ पे क्या करेगा हाइड्रोजन देगा, इसको हाइड्रोजन नहीं ये प्रोटॉन देगा H प्लस आयन देगा, ठीक है H प्लस आयन क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा और इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी H ये कंप्लीट बन गया, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर रेडिकल बचा हुआ है, ठीक है। अब रेडिकल फिर से यहाँ पे क्या करेगा Na से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर से जैसे पहले प्रोसेस था, यहाँ पे हो गए दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये H ये H ये बॉन्ड ऐसा ही है। अब यहाँ फिर से एथिल अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं जो कि क्या देगा प्रोटॉन देगा जो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, अब प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा क्या 1,4-cyclohexadiene, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये रहा इसका कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे होता है, मैं पॉलीमराइजेशन यहाँ पे लिखा हूँ पर इसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पॉलीमराइजेशन आपको शॉर्ट में समझा दिया हूँ। एक और एग्जांपल है ओजोन फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है
ओजोन फॉर्मेशन देख लेते हैं, ओजोन कैसे बनता है। ओजोन जो है, ओजोन ठीक है, ओजोन जो है सबसे पहले O2 का फोटोलाइटिक क्लीवेज होता है किसमें, 2O रेडिकल में। अब ये O रेडिकल क्या करेगा, O2 के साथ में कंबाइन करेगा, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, O3। अब ये ओजोन हम यहाँ पे बनाना दिखा दिए, ओजोन ये बन रहा है कहाँ बन रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में जो पृथ्वी के ऊपर ओजोन लेयर है वहां बन रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन करते हैं, फ्रियोन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, सी एफ सी एल थ्री, ये भी क्या करता है, एच न्यू के साथ में रिएक्शन करता है और क्या देता है, सी एफ सी एल टू और एक सी एल जनरेट कर देता है, जो कि ओजोन डिप्लेशन के कारण काम करता है। ये क्या करता है, ओजोन के साथ में रिएक्ट करता है सी एल और क्या बनाता है, सी एल ओ टू प्लस सी एल ओ प्लस ओ टू, है ना, सी एल ओ प्लस ओ टू। इस तरह से एक ओजोन क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ओजोन को डिप्लेट कर दे रहा है, ठीक है, मतलब ये ओजोन लेयर को क्षय करने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रकृति के लिए हानिकारक हो गया। ये भी एक फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं और फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल किस तरह का होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आप सभी का धन्यवाद, ठीक है।